से हम प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आए थे, वहाँ से हमने पूरा सामान नीचे उतारा और अब हमने बस पकड़ी है प्रयागराज रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर है, यहाँ से हमने बस पकड़ी है, अब ये सीधा लालगंज छोड़ेगी और उसके बाद से जो आगे का सफर है हमारा वो शुरू होगा। अगर आप लोग प्रयागराज आ रहे हो तो आपको बहुत ही सिंपल होगा, प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आना है और वहाँ से आपको सिंपली बाहर निकलना है और आपको यहाँ से एसी बस मिल जाएगी जो आपके लिए काफ़ी कम्फर्टेबल रहेगा और काफ़ी आसानी से आप यहाँ से बस पकड़ के अपने डेस्टिनेशन की तरफ निकल सकते हैं। आपको ज़्यादा टेम्पो नहीं पकड़ना है, सिंपली आपको यहाँ से दे दे कुछ बिस्किट होगी खाने को, आपको आगे निकलना है, टेम्पो वालों को देना नहीं पड़ना है क्योंकि वो आपका पैसा डबल कर देंगे और हो सकता है क्योंकि वो आपको आधे रास्ते पर यहाँ से जो जर्नी है हमारी वो स्टार्ट करना है। यहाँ से लालगंज तक का किराया 51 रुपीज़ है, देख सकते हैं आप लोग, ये हमारा टिकट है। तिलियरगंज को क्रॉस कर चुके और आगे आपको गंगा जमुना दिखाएंगे, तो चलिए फिर आपको फ्रंट कैमरे से गंगा जमुना दिखाते हैं। और अभी इलाहाबाद से निकलने के बाद हमने तिलियरगंज को क्रॉस किया तो फटाफट अभी गंगा जमुना आपको दिखाते हैं, फिर बात करते हैं। तो भाई देख सकते हैं गंगा जमुना जो काफ़ी बड़ा है, देख सकते हैं आप लोग, छोटा चाहिए, काफी बड़ा है नहीं? हाँ ट्रेन जाती है ना उधर से, हाँ बीच में ट्रैक दिया है ना, यहाँ से गाड़ी जाती है पर यहाँ से उसको ट्रेन में तबियत सही नहीं, उछल कूद करेंगे जाके भी है, ट्रेन ने पूरा उछल कूद तो कर रहा था। अभी कहाँ पहुँचे भाई? हथियाहा, हथियाहापुर पहुँचे, हाँ हथियाहा बोल रहे भाई, हथियाहा में दिवाली की डेकोरेशन धूमधाम से की गई है। अरे 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 जोर से धक्का मारो, पेट्रोल खत्म हो गया क्या?
तो पेरू लटका देखो पीछे गया। पहले बता दो ले लेता था पेरू को भी। अरे अपने घर पे। अरे बाप रे क्या ऑर्केस्ट्रा है, बम्बई को फेल कर दिए लोले तो। कान चीर देगा जी बीसी के। आती है पुर से क्रॉसिंग। मार्केट से क्रॉसिंग होती है। कमला भाग्य उसकी बिमला। हमें पुष्पा को छोड़ के आ गए। पुष्पा लंदन जाने वाली है अभी। अब हमारी बस पहुंची है मंसूराबाद। देखिए मंसूराबाद है, मंसूराबाद पहुंची है। और उसके बाद खुदैयापुर आएगा, देख सकते हैं आप लोग प्रयागराज मंसूराबाद। मंसूराबाद से अब हमारी बस निकल चुकी है, धीरे धीरे देख सकते हैं आप लोग मंसूराबाद मार्केट। और यहाँ पे दिवाली की काफ़ी ज़्यादा डेकोरेशन हो रहे हैं, दिवाली का सब आइटम बिक रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग। इस बार हम दिवाली दिवाली यूपी प्रयागराज मनाने वाले हैं, देख सकते हैं आप लोग। मंसूराबाद पापा माओ तेलियरगंज। क्या दिन दिख रहा है दोस्तों। अगला स्टॉप खुदैयापुर आएगा, मंसूराबाद के बाद अगला स्टॉप खुदैयापुर है, देख सकते हैं आप लोग। नहीं नहीं वही साइड आएगा। खुदैयापुर क्रॉस किया है और अभी ये टोल नाके से निकल रहे हैं, लेकिन बस काफ़ी फर्स्ट क्लास है, फुल एसी बस चल रही है और बस काफ़ी फर्स्ट क्लास है। मैं तो रिकमेंडेड करूँगा फ्रेंड्स के, अगर आप प्रयागराज आ रहे हो तो प्लेटफॉर्म नंबर 1 से आप बस पकड़ सकते हो और आराम से अपना जो जिस रूट की तरफ आप जाना चाहते हैं वहाँ से आपको आराम पड़ेगा। बाकी टेम्पो में करना आपके लिए सही नहीं रहेगा। और मैं तो 15 दिन मुझे यहाँ पे रहना है, तो 15 दिन प्रयागराज के आसपास का जो इलाका है उसे पूरा एक्सप्लोर करेंगे आप लोगों के लिए। तो देखते हैं कितना एक्सप्लोर हो पाता है, कितना मैं आप लोगों को दिखा पाता हूँ। पर मेरा पूरा जो 15 दिन है ये अच्छे से आप लोगों के साथ बीतने वाले हैं। तो फिलहाल टोल को क्रॉस करके अभी हम लोग आगे की तरफ बढ़ चुके हैं और थोड़ी देर में अभी मैं लालगंज पहुँच जाऊँगा, फिर वहाँ से
दूसरा बाकी का सफर है वो हम शुरू करेंगे। चलिए, और बस काफ़ी अच्छी है, बस में सीसीटीवी कैमरा दिए गए, यात्रियों की सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरा दिया गया है, मेडिकल का बॉक्स है, बस पूरी फर्स्ट क्लास है, फुल एसी है। तीन महीने में थोड़ी हो नहीं है, मैं 3 महीने बाद आ रहा हूँ, किसी ने मुझे आइडिया नहीं होगा, जो यहाँ तो होगा बता देते। ये लालगंज का मार्केट आप लोग देख रहे हैं, वो कंडक्टर से आपसे पूछा ना, वो पता पाऊँ बाहर रहते हो क्या? लोग मुंबई से प्रयागराज से लालगंज तक का जो पूरा सफर था, इसमें मैंने आप सबको शामिल रखा, लालगंज हम लोग पहुँच गए मुंबई प्रयागराज से, प्रयागराज रेलवे स्टेशन से लालगंज तक का ये जो सफर था हम यही खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, टेक केयर, बाय बाय, टाटा, बाय बाय। ये बहुत ही खूबसूरत सनसेट हो रहा है, आप लोग देखिए, और अभी शाम के 5:09 हुए, लेकिन सनसेट बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है फ्रेंड्स, तो मैंने सोचा कि ना आप लोगों को दिखा दिया जाए। देखिए, तो बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है गाइस। अभी टाइम हुआ है 5:26 और प्रयागराज से आने के बाद पूरी थकान लग चुकी थी, दोपहर तक हम लोग यहाँ 3:30 तक हम लोग घर पहुँच गए, और उसके बाद तो भाई साहब जबरदस्त थकान लगी थी, क्योंकि स्लीपर क्लास में जो तो हमारी हालत ख़राब हो गई थी, और अभी मैं घर के टेरेस पे बैठा हूँ, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा लग रहा है और बहुत ही सुकून है। शाम के 5:30 बज चुके हैं, और अभी मैं बहुत सुकून है, नहा धो के यहाँ पर बैठा हूँ, और बहुत ज़बरदस्त हमें स्लीपर क्लास में हालत हमारी ख़राब हो गई थी, और अभी कल दोपहर को मैं यहाँ से निकल जाऊँगा आगे की तरफ, फिर आगे की जो पूरी जर्नी है मैं आप सबको दिखाऊँगा, और मेरे साथ ये 15 दिन आप बड़े मज़े से बिताने वाले हैं, और अभी थोड़ी देर पहले सनसेट भी हुआ था, तो सनसेट भी आप लोगों को दिखाते हैं। चलिए, आप यहाँ से विदा लेते हैं, फिर आपसे कल मिलेंगे 2:30 बजे।